बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए कोविड की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो भोपाल में उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पहले लॉकडाउन केवल संडे के लिए रहता था, वो अब सैटरडे और संडे दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए फ्राइडे की शाम 6 बजे से लागू होगा और मंडे की सुबह 6 बजे तक लागू होगा। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि करंट परिस्थितियों को देखते हुए जो भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह संचालित हैं उन सभी को आगामी 15 दिन के लिए बंद किया जाएगा। उसके बाद स्थिति का जायज़ा लेते हुए इसमें आगामी निर्णय लिया जा सकेगा। इसके साथ ही जैसा कि पूर्व में भी बात आ रही थी कि अब हम लोग बड़े कंटेनमेंट एरियाज़ बनाने पर विचार कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने जो फिगर्स हैं, अपना जो डेटा है उसको एनालाइज़ किया और हम लोगों ने ये पाया कि कोलार के कुछ 6 या 7 वार्ड्स ऐसे हैं जिनमें कि शहर की आबादी तो लगभग 7 से 8% है, लेकिन उन वार्ड्स में जो केसेस का प्रतिशत है, पिछले 4,000 पॉजिटिव केसेस को यदि हम देखें तो उसमें से लगभग 40 से 45% केसेस इन्हीं वार्ड्स में से आ रहे हैं। तो इन सभी वार्ड्स को सम्मिलित करते हुए कोलार एरिया, बावड़िया कला, इन सबको सम्मिलित करते हुए एक बड़ा कंटेनमेंट एरिया प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। ये कंटेनमेंट एरिया फ्राइडे शाम 6 बजे से लागू होगा और सैटरडे संडे तो लॉकडाउन है ही और अगला सैटरडे संडे भी लॉकडाउन है, लेकिन इसके बीच के जो 5 दिवस हैं मंडे टू फ्राइडे, उस दौरान भी ये जो पूरा एरिया है ये लॉकडाउन में रहेगा, कंटेन्ड रहेगा। इस प्रकार का कंटेनमेंट एरिया हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो कंटेनमेंट एरिया है इसमें वार्ड क्रमांक 80, 81, 82, 83, 84 और वार्ड क्रमांक 52 और 53 के कुछ आंशिक क्षेत्र आते हैं। आपको और बेटर आइडिया हो इसके लिए जो कॉलोनीज़ इसमें सम्मिलित हो रही हैं उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण के लिए